नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज पिल्स और हाई ब्लड प्रेशर दवाओं सहित 53 ड्रग्स को क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दिया है। इनमें कई नामी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 50 से ज्यादा दवाओं को खराब क्वालिटी का पाया है। इनमें कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल है। हर महीने होने वाले रैंडम सैंपलिंग में ये दवाएं खराब पाई गई। बता दें, भारत के ड्रग कंट्रोलर ने क्वालिटी टेस्ट में फेल होने वाली दवाओं की दो लिस्ट जारी की है। एक लिस्ट में 48 प्रसिद्ध दवाएं हैं, जबकि दूसरी लिस्ट में 5 और दवाओं के साथ साथ टेस्ट में फेल होने वाली दवा कंपनियों के जवाब भी हैं। हालांकि कंपनियों ने अपने जवाब में दवाओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा है कि वे नकली हैं। दवा निर्माताओं के जवाब वाले कॉलम में लिखा है कि प्रोडक्ट का यह बैच उनके यहाँ से तैयार नहीं किया गया है और यह एक नकली दवा है। हालांकि अभी इसकी भी जांच की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और रॉयल बुलेटिन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।